आज हम बनाने वाले हैं ये दाल मखनी, जो कि उड़द की दाल से भी बनती है और ये मलका मसूर की काली वाली दाल से। तो हम ये मलका मसूर वाली दाल मखनी बनाने वाले हैं, तो आइए बनाने स्टार्ट। दोस्तों, मैं नरगिस इंद्रजा के किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने दाल ले ली है, ये मेरी एक कटोरी दाल है मलका मसूर की, जिसको काली वाली दाल बोलते हैं। और आज इससे हम दाल मखनी बनाने वाले हैं, जो कि राजमा के साथ हम इसको बनाएंगे। और इसको और ये राजमा है जिसको मैंने अच्छे से सोख करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया, तो ये अच्छे से हमारे राजमा भी फूल गए हैं। अब क्या करेंगे, दाल को अच्छे से मैं 2 या 3 बार धो लेती हूँ। दाल को मैंने 2 से 3 अच्छे से धो लिया है। इसको इसमें अपनी दाल ऐड कर दी है और इसमें डालेंगे साथ में ये राजमा और थोड़ा सा नमक। इसमें हमको साबुत यानी खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे 3 ही मैंने तेजपाल के पत्ते ले लिए हैं और ये बड़ी इलायची है जिसको मैंने बस थोड़ा सा कूट लिया है, इसके दाने अलग नहीं करने हैं हमको। ये एक जाएगा दालचीनी का टुकड़ा। इससे क्या है कि जब दाल हमारी जो बॉईल होगी ना, तो उसमें ये मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाता है। ये थोड़ा पानी डाल के इसको 3 या 4 सीटी जितनी आपको लगानी है, ये दोनों से अच्छे से बॉईल हो जाएं राजमा और इसके साथ जो दाल है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के ये मक्खन, क्योंकि डायरेक्ट हम मक्खन डालते तो क्या है कि जल जाता है ये हमारा मक्खन। ये डालेंगे थोड़ी सी हींग, ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई मेरी प्याज है, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी ले सकते हो। और साथ ही में इसमें जाएगा ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और ये थोड़ा सा प्याज, और ये हम थोड़ा सा भून लेते हैं अभी। ये प्याज हमारी भुनकर तैयार है। इसमें डालेंगे एकदम बारीक चॉप करा हुआ 1 टमाटर, आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल सकते हो। और इसको टमाटर को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये टमाटर हमारे भुनकर भी तैयार हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड करें, नमक थोड़ा कम ही ऐड करें, क्योंकि बॉईल करते समय भी हमने उसमें दाल में नमक डाला था, लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला और धनिया पाउडर। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं, और थोड़ा सा मसालों को भून लेते हैं। मसाले हमारे भुन चुके हैं, ये मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसको मैं हाथ से क्रश कर दिया है, और देखिए ये बिल्कुल ये हमारी दाल और छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, ये जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए थे खड़े मसाले, इनको मैं निकाल देती हूँ। अभी दाल को थोड़ा सा और पकने देते हैं हम, और ये थोड़ी हमारी थिक भी है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद में क्या है दाल ज़्यादा एकदम थिक हो जाती है। दाल अच्छे से हमारी अब बन चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे हम मक्खन। आप अपने हिसाब से मक्खन 2 या 3 चम्मच जितना चाहें ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे दाल का मसाला, अगर दाल का मसाला नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, उसी का थोड़ा सा आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इसमें ऐड करेंगे क्रीम, अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह घर की फ्रेश मलाई जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं घर की फ्रेश मलाई इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरी 2 चम्मच भर के है, क्योंकि इसमें क्रीम तो बहुत ज़रूरी होता है। मक्खन के बिना ये दाल मखनी तो बनती नहीं है, क्योंकि ये और थोड़ा सा इसको और हम पका लेती हैं 1 मिनट के लिए बस। ये क्या बढ़िया हमारी दाल बनकर एकदम तैयार हुई है, और इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया, और आइए इसको सर्व कर लेती हूँ। इसमें डालेंगे धनिए की पत्तियाँ, ये जाएगा इसमें मक्खन और ये क्रीम। ये हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको चम्मच में भर के दिखा दूँ, क्या बढ़िया और टेस्टी लग रही है देखने में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।